कड़ाती ठंड में नव निर्वाचित पार्षद दया सिंह ने मानवता की वानगी प्रस्तुत करते हुए पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड में बेघर गरीब वर्ग के लोगों को कंबल का वितरण किया। कड़ाके की ठंड के बीच भिलाई में मददगार जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनकर पहुंचे बोलबम समिति के संस्थापक दया सिंह। रेलवे स्टेशन दुकान या फुटपाथ में सोने वाले लोगों को कंबल बांटने का काम भिलाई दुर्ग में बोलबम समिति कर रही है। समिति के अध्यक्ष भाजपा जुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य व पार्षद दया सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ रात 8 बजे से निकले और रात 12:30 बजे तक भिलाई के अलग अलग इलाकों में जाकर कंबल का वितरण किया। इस कार्य में दया सिंह के साथ सहयोगी के रूप में बोलबम समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मच्छरदानी ओढ़कर सोए हुए लोगों को बोलबम समिति के लोगों ने अनुकरणीय पहल की है। कंबल वितरण के दौरान दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि हम पिछले 8 सालों से ठंड के सीजन में कंबल का वितरण कर रहे हैं, इस बार भी हमारे युवा साथियों ने यह पीड़ा उठाया है। बोलबम समिति के लोगों ने जब कंबल भेंट की तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह देखकर बड़ी खुशी हुई, हम आगे भी यह अभियान चलाएंगे। नेहरू नगर फ्लाईओवर के नीचे दया सिंह की टीम पहुंची तो एक बुजुर्ग कंबल पाकर गदगद हो गया। उसने कहा कि दया सिंह लॉकडाउन के समय भी हमारे पास मदद करने आए थे। मेरा कोई घर नहीं है और इसी फ्लाईओवर के नीचे वह दिन बिताता है। जब ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, दया सिंह ने उन्हें कंबल भेंट की। कंबल पाकर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने दया सिंह और उसकी टीम को खूब सराहा और आशीर्वाद दिया। किस तरह से लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आमतौर पे दुकानों के नीचे सो रहे हैं, जिनके पास कंबल भी नहीं था और ठिठुर लोग थे, बस मन में आया कि ये सब और बोलबम समिति का एक कार्य है, बस वो कर रहे हैं। ये करने के बाद मन में क्या फीलिंग होती है? मन में फीलिंग क्या, बस हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं और ईश्वर हमसे अच्छा करा पा रहा है, बस इस बात से खुश है। उनके चेहरे में जब आप देखते होंगे देने के बाद, तो कुछ आभास होता होगा आपको? नहीं, उनके चेहरे पे तो जो खुशी होती है, खुशी के साथ में कहीं ना कहीं एक ठंड का दर्द भी होता है, जिसे हम शब्दों से नहीं महसूस कर रहे हैं। कितने सालों से चल रहा है ये? निरंतर 8 सालों से चल रहा है और 8 साल से हम ठंड में निकलते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा ठंड है और ठंड में हम देख रहे हैं कि लोग ठिठुरे और तकलीफ में है और काफ़ी, मतलब उनके पास तो मतलब उड़ने के लिए तक कुछ नहीं। ऐसे भी मैंने बच्चे छोटे छोटे देखा, जो बेचारे मतलब अभी तो बेचारे बहुत छोटे, 3-4 साल 5 साल के बच्चे, मतलब वही बेचारे ठिठुरे एक किनारे किनारे पकड़े हैं चिपके। और मैं तो ऐसा भी देखा कि कई ऐसे इंसान जो वहाँ पर मैंने देखा कि कुत्तों के जहाँ सोए हैं वहाँ पर वो उनके साथ में लेटे हुए हैं। बहुत मतलब दुख भी हुआ और बड़ा तकलीफ भी हुआ, लेकिन बोलबम का कार्य है तो हमें अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल पाठक के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट।